बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज अपने गार्डन से एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर बात करने के लिए आई हूँ, और ये प्लांट मेरे ख्याल में हर गार्डनर के घर में इंडोर आउटडोर हर जगह पड़ा हुआ नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मनी प्लांट। अच्छा, मैंने यहाँ पर लफ्ज़ गार्डनर बोला है, तो मेरे ख्याल में जो लोग प्लांट्स का शौक़ नहीं भी रखते उनके घर में भी ये प्लांट मौजूद होता है, क्योंकि ये एक इजी ग्रो प्लांट है, पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है और मिट्टी में भी। के सामने है कि मैंने मनी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रखा है, ये इसलिए कि ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मैं अपने घर अपने गार्डन को ज़्यादा ग्रीन बनाने के लिए मनी प्लांट्स को बार बार ग्रो करने पर तरजीह देती हूँ। लेकिन जितना हमारे पास मनी प्लांट्स होता है, मौसम के लिहाज से इसकी केयर भी उसी तरह से करनी पड़ती है। मनी प्लांट्स की 4 से 5 किस्में हैं, मार्च से लेकर अगस्त तक हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और इनको ग्रो करने का आसान सा तरीका यह है कि हमने इसकी किसी भी शाख से एक डंडी पूरी लेनी है, और हर पत्ते के नीचे इसकी नोड होती है यानी कि जड़ होती है, हमने उसके इर्द गिर्द से डंडी हटा देनी है। बस हमें एक पत्ता और उसके नीचे वाली जड़ चाहिए होगी। उसके इर्द गिर्द की डंडी हटा कर पानी में या फिर अच्छी सी भुरभुरी मट्टी में हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इस पर मैंने तफसीलन वीडियो लगा रखी है, आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं और फुल वीडियो भी देखी जा सकती है। तो मनी प्लांट्स जो है ये हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जी, इसे हम अगर ज़मीन में लगाते हैं, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी कि अगर किसी ट्री के साथ लगाते हैं तो ये पॉट से भी अपनी खुराक लेगा, या फिर ज़मीन में लगा हुआ तो ज़मीन से भी अपनी खुराक लेगा, और जो इसकी शाखें उस ट्री के साथ साथ ऊपर जा रही होंगी, ट्री के साथ इसके जो जड़ें हैं वो चिपक जाएंगी और वो जड़ें उस ट्री से भी अपनी खुराक लेंगी। और ट्री के साथ लगा हुआ मनी प्लांट उसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े होंगे। एक गल का तुम बहुत ख्याल रखना है कि मनी प्लांट्स नीम बकैन यानी कड़वे ट्रीज के नाल बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये उनके साथ सही तरीके से इनकी बनती नहीं है, यानी ये कड़वे ट्रीज के साथ ग्रो सही नहीं होता, होता ही नहीं है बल्कि। और जी, अगर बास्केट्स में लगाएं तो ये मनी प्लांट्स जो है ये असूलन इसकी शाखें जो हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा फैलती हैं, नीचे की तरफ ज़्यादा गिरती हैं जाती हैं। तो बास्केट्स में लगे हुए मनी प्लांट्स आपने देखे होंगे कि वो किस तरह से तेज़ी से की ग्रोथ हो रही होती है, जबकि हम किसी स्टिक पर जब इसे लगाते हैं तो बहुत स्लो ग्रोथ के साथ ये ऊपर जाता है। किसी भी ट्री के साथ इसका पॉट रख के या फिर ज़मीन में से ही इसे ग्रो किया जाए तो उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर इसी मनी प्लांट को हम पॉट में लगाएं और साथ में एक स्टिक लगा दें, और ये क्वायर स्टिक जो होती है इसमें ये अपनी जड़ें तो अच्छी तरह से मजबूत कर लेता है, लेकिन ये एक बेजान स्टिक होती है, इसमें इसे कोई खुराक नहीं मिलने वाली होती। बस ये हमें सिर्फ प्लांट को ऊपर ले जाने में सपोर्ट करती है। इस प्लांट को हम आसानी से जिधर भी लेके जाना चाहें स्टिक के ज़रिए लेके जा सकते हैं। तो जी, सितंबर का महीना जो है वो चल रहा है, और अब मनी प्लांट्स के सो जाने का टाइम भी आ रहा है, यानी यहीं पर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और अगर हमने इसकी खास केयर ना की तो हो सकता है कि इसके काफ़ी सारे पत्ते भी गिर जाएं। अक्टूबर के एंड से लेकर फरवरी के एंड तक इस प्लांट की केयर ये है। मनी प्लांट्स अगर आउटडोर रखे हुए हैं तो इनके लिए हमें शीट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सख्त सर्दी में ओस और कम रोशनी की वजह से इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती। इनकी जो डंडियां होती हैं वो इनकी वेंस कहलाती हैं, और वेंस में पानी जम जाने यानी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से वो बिल्कुल भी खुराक आगे तक लेके नहीं जाती, यानी पूरे प्लांट तक नहीं पहुंच सकती खुराक, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब होने लगती है। तो अगर हम इसे ज़्यादा हीट देंगे यानी शीट की वजह से इसे सर्दी से बचाएंगे तो ये अच्छे से चलता रहेगा, यानी बचा रहेगा, इसी तरह ग्रीन रहेगा। अदरवाइज शीट ना होने की वजह से, इसे कवर ना करने की वजह से, और यानी सर्दी से ना बचने की वजह से हमारा मनी प्लांट जो है वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। इसके पत्ते ब्लैक हो के सारे गिर जाएंगे, येलो हो के गिर जाएंगे, ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ब्लैक भी हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम इसे अंदर रखते हैं, इंडोर रखते हैं, तो वहाँ पर हमें सिर्फ इसमें इतना फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा कि एक पत्ते का दूसरे पत्ते तक का गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा।
ग्रोथ भी बिल्कुल नहीं हो रही होगी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये विंटर्स में चलती रहती हैं, और जैसे ही इनका सीज़न दोबारा से स्टार्ट होता है तो ये दोबारा अपनी असली हालत में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम इन्हें मरने से ज़रूर रोकेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे, इनको शीट का बंदोबस्त देंगे या फिर इंडोर रखेंगे। इंडोर भी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ इन्हें अच्छी रोशनी और हवा मिल सकती हो। तो ये थी वीडियो मनी प्लांट्स के लिए, जो कि हमने अक्टूबर से लेकर फरवरी के एंड तक करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।